साहब को और रऊफ साहब को लेके गए। किस केस में लेके जा रहे हैं, केस के बारे में बताया? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। गिरफ्तार कर रहे हैं रऊफ साहब को और गिरफ्तार करके ले गए, ले गए, ले गए, ले गए। ओके, यहाँ पे हमें, यहाँ पे जो हमारे मौजूद हैं सर, बाकी स्टाफ को किसी और को गिरफ्तार किया गया? रऊफ साहब को लेके गए। किस केस में लेके जा रहे हैं, केस के बारे में बताया? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। गिरफ्तार कर रहे हैं रऊफ साहब को और गिरफ्तार करके ले गए, ले गए, ले गए, ले गए। ओके, यहाँ पे हमें, यहाँ पे जो हमारे मौजूद हैं सर, बाकी स्टाफ को किसी और को गिरफ्तार किया गया? जानिब से प्रिजनर वैन भी पीटीआई मर्सी सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंचा दी गई है। इस वक्त चारों इतराब से इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई मर्सी सेक्रेटेरिएट को अपने हिसार में ले लिया है और उसको सारे फ्लोर्स पे पुलिस खड़ी है और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं और जो मैंने सुना है वो उधर गौहर साहब भी और रऊफ साहब को भी ले गए। अब देखें, ये जो है जिस तरह का सिलसिला चल रहा है तो ये तो ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में ना कानून है, ना आईन है, ना किसी की वो कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। अब अगर वो हम लेके वो फाइनलाइज कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे, तो बुनियादी तौर पे ये उसको उठा के ले गए कि हमारे जो MNAs हैं वो अपने जो एक उनको एक अदालती इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपनी जो वाबस्तगी है उसका इजहार करना था, लेकिन वो उसी को ही ले गए। तो मेरा ख़्याल है कि ये अब मुल्क में कोई जम्हूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं और ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इनका ख्याल ये है कि इसी तरह की फाशिस्ट तरीके से, फस्ताइयत से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उसका रास्ता रोका जाए। और जो कानून की अमलदारी है ये तो मेरे नज़दीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर आपने किया था उसकी अमलदारी में अगर कोई। अस्सलाम वालेकुम जी, आज अडयाला जेल के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है और अब हम जा रहे हैं, इसमें गवाहों के बयान और क्रॉस एग्जामिनेशन वो चल रहा है और 30 के करीब गवाह उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो झूठा केस है, तफसील मैं पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा तोशाखाना केस के अंदर आज फिजिकल रिमांड जो है वो भी मुकम्मल हो रहा है। अब जो फिजिकल रिमांड है वो जब दिया गया उसके बाद 6 दफा नैब की टीम जो है मुसलसल वहां पर जाती रही और खान साहब बता रहे थे कि वही सवालात जो पिछले केस के अंदर पूछे गए और मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हरासा करने के लिए। ये नैब जो तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तारी डाली गई वो बिल्कुल गैर कानूनी थी। वो क्यों थी? क्योंकि खान साहब प्रीवियस बिल्स फाइल कर चुके थे, तो जब प्रीवियस बिल्स फाइल हो गई थी तो उसके बाद जानबूझकर इस तरह से उस केस के अंदर गिरफ्तार करना कि खान साहब सिर्फ बाहर आ सके, वो जो अमल था, वो जो गिरफ्तारी डाली गई थी उसको भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया था, जिसकी आज समाअत है और उसमें खान साहब की रिहाई के हवाले से भी इस्तदा की है कि इस मुकदमे में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था और रिहाई की भी वहां पर इस्तदा की हुई है, तो उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। इसके अलावा 3 बेल्स जो खान साहब की लाहौर में खारिज हुई थी एंटी टेररिज्म कोर्ट से, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था, उसकी भी समाअत है। और जो फिजिकल रिमांड मजीद मुकदमा जो आपको पता है कि अचानक से पता चला जी कि 12 मुकदमा में खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो डाल दी गई है, वो भी 9 मई के हवाले से थे, उनको भी चैलेंज किया गया था उन तमाम ऑर्डर्स को जो फिजिकल रिमांड के हवाले से थे, तो वो भी समाअत जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज फिक्स है। तो जो ही तफसीलात आएंगी आपको आगाह करूंगा।
अडयाला जेल खान साहब से मुलाकात के बाद आपको मुकम्मल जो है वो मैं वहां पर जो हुआ वो सारी तफसील दूंगा। बहुत शुक्रिया।